नमस्कार दोस्तों, अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, शिक्षकों के लिए जो है बहुत ही खुशखबरी की बात है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के 8000 शिक्षकों के पदों पर जो है वो बम्पर भर्ती होने वाली है, जिसकी लास्ट डेट है 21 सितंबर 2019। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ में बताया गया है कि सैनिक स्कूल में 8000 शिक्षक होंगे भर्ती। जो सैनिक स्कूल हैं उनमें जो है 8000 शिक्षकों की जो है वो भर्ती होने वाली है। जाहू हमीरपुर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने आर्मी पब्लिक स्कूल में खाली पड़े पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी प्राइमरी टीचर शिक्षकों के जो 8000 पदों को भरने के ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए आर्मी स्कूल में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर तय की गई है। विभिन्न राज्यों में वर्तमान में 137 आर्मी पब्लिक स्कूल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आर्मी स्कूल में शिक्षकों के खाली पदों को आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी लिखित परीक्षा के आधार पर भरेगी। आर्मी पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, गृह विज्ञान और शारीरिक शिक्षा सहित 17 विषयों के पदों पर पीजीटी की भर्ती होगी। तो 17 विषयों पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर हैं उनकी भर्ती होगी। लेक्चरर की प्रशिक्षित कला स्नातक में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान व बायोलॉजी सहित 10 विषयों में नियुक्ति होगी। इसके अलावा पीआरटी शिक्षक भी नियुक्त होंगे। पीटीजी पद के लिए 50% पोस्ट ग्रेजुएट में अंक तथा बीएड का होना अनिवार्य किया गया है। टीजीटी पद के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक और बीएड का होना जरूरी है। आवेदन करने वाला अभ्यर्थी सीटेट, टेट पास हो। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। पीआरटी शिक्षक को बीएड या फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा तथा आयु सीमा 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। सभी पदों के आवेदन के लिए फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे और 19 और 20 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा का परिणाम 30 अक्टूबर को निकलेगा। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए देश भर में 70 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। प्रदेश में सोलन और कांगड़ा जिला को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आवेदनकर्ता पूरी जानकारी आर्मी वेलफेयर सोसाइटी की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं आप, तो इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि क्या क्वालिफिकेशन है और कितने जो है पद हैं और कौन कौन से पद हैं। पूरी जानकारी आप जो है इसकी जानना चाहें तो आर्मी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।